हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। आज के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जेसन क्या होता है और इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए और इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये पहले समझते हैं जेसन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो जेसन है उसका फुल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और अगर मैं इसके यूज के बारे में बात करूं कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि इसको यूज किया जाता है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके यूजेस के बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं। देखिए, इसका जो नेम है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसके नेम के बीच में जो ये जावास्क्रिप्ट आ रहा है, इससे आप ये मत सोचिए कि कोई जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इसका जो ये नेम है, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो जेसन जो है, जब इसे बनाया गया था तो वहां पर जो इसका फॉर्मेट है वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया था, तभी इसका नाम रखा गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मगर यहां पर मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि इसका कोई भी स्पेशल रिलेशन नहीं है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूं। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट साइड में आपका कुछ भी हो सकता है, जहां पे आप अपनी वेबसाइट ओपन करने वाले हैं, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टैब। तो जब भी आप क्लाइंट साइड से अपने सर्वर साइड पे कोई भी डाटा को सेंड करना चाहते हैं और वो भी बहुत फास्ट, और कुछ रिसीव करना चाहते हैं, मतलब कि कोई डाटा वहां से लेना चाहते हैं क्लाइंट साइड पे और वो भी बहुत फास्ट वे में, तो वहां पर हम यूज करते हैं जेसन को। तो जेसन जो है बेसिकली कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक डाटा का फॉर्मेट है, डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट। जेसन के अलावा भी हमारे पास वर्ल्ड में एक फेमस डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट आता है जिसे हम कहते हैं एक्सएमएल। मगर अगर हम यहाँ पे एक्सएमएल को कंपेयर करें जेसन से, तो जेसन जो है वो एज कम्पेयर टू एक्सएमएल काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये पहले देखते हैं इन दोनों का बेसिकली लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जेसन का फॉर्मेट। देखिए, जो जेसन का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किए हुए हैं, तो वहां पर भी हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, ये देखिए, और वहां पर हम की लेते हैं और उसकी एक वैल्यू, की और एक वैल्यू, की और एक वैल्यू। यहां पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल लिया आपके सामने स्टूडेंट्स का, जिसमें उनका मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब सेम ही रिकॉर्ड अगर हम एक्सएमएल में लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, यहां का जो फॉर्मेट रहता है वो बिल्कुल टैग्स में रहता है, जैसे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। ये देखिए, स्टूडेंट्स नाम का एक टैग यहां शुरू हुआ और यहां पे क्लोज हुआ, फिर उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए हमने हर बार यहां पर अलग से स्टूडेंट नाम का एक टैग शुरू किया है, ये देखिए, और उसके नेम का टैग है, एज का टैग है और उसके अंदर सिटी का टैग भी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों के लिखने में तो डिफरेंस काफी सारा है, आपको दिख ही रहा है, मगर इनमें कुछ और डिफरेंस भी है। आइए उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो जेसन है उसका अगर हम फुल मीनिंग की बात करें, तो मैंने आपको बताया उसका मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और जहां पर हम एक्सएमएल की बात करें तो उसका मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है, जबकि जेसन जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो बेसिकली एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, और जहां पर एक्सएमएल है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, वैसे ही मार्कअप एक लैंग्वेज है। तो इसको आपको सीखना भी पड़ता है एक्सएमएल को, मगर जेसन को जस्ट आप 5 मिनट के अंदर सीख सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये एक डाटा का फॉर्मेट ही है। इसमें कीज होती हैं और सिर्फ उनकी एक वैल्यू होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेसन जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल, तो उसका एक मेन रीजन है कि वो काफी लाइट वेट है, और जहां पर हम एक्सएमएल की बात करें वो हैवियर है, क्योंकि इसके अंदर टैग्स आते हैं, उसके अंदर फिर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे एचटीएमएल के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सएमएल के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका जो फॉर्मेट रहता है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। मगर यहाँ पर एक दूसरा एक्सएमएल की साइड में एक बेनिफिट भी रहता है कि जो एक्सएमएल है वो सपोर्ट करता है हमारे कमेंट्स को और नेम स्पेसेस को, जबकि हम यहाँ पे बात करें जेसन की तो ये सपोर्ट नहीं करता कमेंट्स और नेम स्पेसेस को, मतलब कि आप इसके अंदर कोई भी कमेंट वगैरह पास नहीं कर सकते। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जेसन क्यों पॉपुलर है एक्सएमएल के कंपैरिजन में। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेसन का जो फॉर्मेट है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से लिया गया है। जेसन सिमिलर तो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के, मगर वो सेम नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट। तो देखिए, जब भी हम इसके अंदर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो देखिए उसकी निशानी क्या होती है, उसमें हम लेते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर एक की होती है, ये देखिए की ली हमने फर्स्ट नेम और उसके अंदर एक वैल्यू दे दी, फिर कोमा लगा के दूसरी की दी, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू दे दी। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट। और जहां पर हम बात करें जेसन के फॉर्मेट की, तो वहां पर अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन पास कर रहे हैं तो वहां पर भी हम एक की लेंगे और उसके अंदर एक वैल्यू, की और एक वैल्यू। मगर यहां पर एक डिफरेंस रहता है कि जो भी की होती है वो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आती है, जबकि हम बात करें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तो वहां पर जो कीज रहती हैं उसको आपको कोट्स के अंदर देने की जरूरत नहीं होती। मगर अगर आप इन दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को और जेसन को, तो उन दोनों को प्रिंट करने का तरीका सेम ही रहेगा। ये देखिए, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे पर्सन डॉट उसकी की का नाम, जिसकी की की वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं। और यहां पर आपने देखी दूसरी बार उसका नेम लिया पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो ये लास्ट नेम भी जो है वो एक की है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और जहां पे हम बात करें जेसन की, तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा कि आपने ऊपर ऑब्जेक्ट में देखा, बिल्कुल सेम टू सेम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की को आपको इन्वर्टेड कोट्स लेने की जरूरत नहीं होती, तो ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप इसको ले भी सकते हैं इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, मगर आपको जेसन के अंदर तो हमेशा लेना ही है डबल कोट्स के अंदर। हाँ, यहां पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप यहां पे एक वर्ड देख रहे हैं फर्स्ट नेम, ये एक वर्ड है, अगर आप फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तब आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर भी यहां पर इन्वर्टेड कोट्स लेने ही पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहां पर इन्वर्टेड कोट्स लिए क्योंकि हमने नेम के अंदर स्पेस दी है, यहां पर भी देखिए। और यहां पर जावास्क्रिप्ट और जेसन के बीच में एक डिफरेंस और भी होता है, वो ये होता है कि हम जो जावास्क्रिप्ट की कीज होती है इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कीज को और वैल्यूज को मैंने सिंगल कोट के अंदर ले लिया, मगर जेसन के अंदर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर जब भी आपको की को लेना है तो डबल कोट्स के अंदर ही लेना है। तो यही इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, बाकी सिमिलैरिटी सेम्स है, इनको प्रिंट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है। अब इसके अंदर देखिए, जैसे जेसन के अंदर यहां पर हमारे पास वैल्यूज आ रही है, ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो जेसन जो है हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके की फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। आइए उसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो डाटा टाइप्स अलाउड हैं जेसन के अंदर वो हैं स्ट्रिंग, नंबर्स, नंबर्स मतलब 1, 2, 3 या डॉट्स में फ्लोट नंबर्स हो गए, या होगी बुलियन वैल्यू यस नो 1, 0, या एरेस की वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट्स हो गए, या नल वैल्यू, नल वैल्यू मतलब एम्प्टी वैल्यू। तो इन सारी वैल्यूज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक जेसन का ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर अलग अलग कीज आ रही है आपके सामने। पहली की जो है वो है नेम, तो देखिए इसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, तो जब भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है वो कोट्स के अंदर ही लेनी है। उसके बाद देखिए, एज नाम की हमने एक की ली है, उसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराई है, मतलब की नंबर वैल्यू, तो नंबर वैल्यू चाहे डॉट्स में हो या विदाउट डॉट्स, उसको आपको कोट्स के बिना ही देना है। और यहां पर देखिए, एक हमने की ली है मैरिट, तो इसके अंदर हमने बुलियन वैल्यू स्टोर कराई है ट्रू, या इसकी जगह आप फॉल्स भी यूज कर सकते हैं, मगर उसको विदाउट कोट्स लेना है। अगर आप उसको कोट्स के अंदर देंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। और इसके बाद देखिए, यहां पर है किड्स नाम की एक वैल्यू, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने नहीं डाली है, तो अगर हम यहां पर कोई भी वैल्यू प्लेस नहीं करते तो इसका मतलब होता है ये नल वैल्यू है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद देखिए, एक हॉबीज नाम की की है, और उसके अंदर हमने एक एरे पास किया है, आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एरे ही होगा, तो इसके अंदर हम इस तरह एरे भी पास कर सकते हैं। और यहां पर लास्ट में हमने क्या किया, एक वाइकल नाम से हमने की लिया और उसके अंदर हमने एक जेसन का ऑब्जेक्ट डाल दिया, मतलब कि एक जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इसको हम नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और यहां पर देखिए, अलग अलग कीज आ रही है, टाइप है और उसका है वी नेम, वी नेम मतलब वाइकल नेम। यहां पर देखिए, दो बार मैंने अलग अलग लिए कीज और वैल्यूज, तो यहां पर आपने देखा कि कैसे जेसन जो है अलग अलग फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जेसन की एडवांटेजेस क्या क्या है। कि जो सबसे पहली एडवांटेज है वो ये है कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, इसको कोई भी, मतलब कि नो इनवॉइस पर्सन भी जो एकदम न्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो भी इसे इजीली समझ सकता है। जो इसकी दूसरी एडवांटेज है वो ये है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसको किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कोई भी जरूरत नहीं है, कि ये सिर्फ उसी के साथ ही चलेगी, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसका थर्ड मेन एडवांटेज भी है कि सारी लैंग्वेज जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उन सबको सपोर्ट करती है, चाहे वो PHP हो, पाइथन हो, C# हो, एंड्रॉयड हो, स्विफ्ट हो, कोई भी लैंग्वेज, ये सभी को सपोर्ट करती है। और इसकी जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि ये इजी टू ऑर्गेनाइज है और इसको असेस करना बहुत ईजी है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे भी। और जो सबसे लास्ट इसकी एडवांटेज है और मेन एडवांटेज है कि ये बहुत लाइट वेट है। जब भी आपने कोई भी डाटा फॉर्म का डाटा सेव करवाना है डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर हम जेसन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, सिर्फ आपको जेसन का एक फॉर्मेट ही भेजना है सर्वर साइड पे। और अगर आपने सर्वर साइड की कोई भी चीज जैसे MySQL का डाटाबेस का सारा टेबल देखना है अगर आपको, तो वहां पर भी हम इसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट है इसलिए फास्ट भी चलता है। अब यहाँ पे हमने बात जो की है वो सारी की है एडवांटेजेस की, अब इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो है डिसएडवांटेज की। इसकी एक मेन डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि इसके अंदर हम कोई भी मीडिया फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे वीडियो की फाइल, ऑडियो की या इमेजेस की फाइल, या फिर कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर हम सेंड नहीं कर सकते, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जेसन जो है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके पॉपुलर होने का सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो ये है कि इसका जो यूज होता है वो होता है वेबसाइट के अंदर APIs के अंदर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एपीआईज क्या होती हैं। देखिए जो एपीआई होती है उसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, कोई भी वेबसाइट किसी भी टॉपिक पे, या ई कॉमर्स की वेबसाइट या किसी भी टॉपिक की कोई भी वेबसाइट, और इसके अंदर जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया सर्वर साइड वो है पीएचपी, और इसमें जो डाटाबेस यूज किया है वो है माई सीक्वल। अब यहाँ पे बात क्या है कि आप इसी वेबसाइट की दो एप्स भी बनाना चाहते हैं, एक एंड्रॉइड की ऐप या फिर एक आईफोन की ऐप, तो इनके लिए भी आपको नेटिव प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी। एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड और आईफोन के लिए स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो डाटा हम वेबसाइट पे देख रहे हैं वही डाटा हम ऐप्स में भी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंड्रॉइड ऐप है या फिर आईफोन ऐप है ये सीधा से माई सीक्वल के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर अपनी एक अलग लाइब्रेरीज है, उसके अलग डाटाबेसिस है जिसको वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो हम सेम ही डाटाबेस यूज करना चाहते हैं माई सीक्वल के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिकली एपीआई। यहाँ पे ये एपीआई प्रोग्राम क्या करता है, ये बेसिकली तीनों फॉर्मेट से, मतलब कि एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट या आईफोन से, इन तीनों से रिक्वेस्ट लेता है। वो रिक्वेस्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब कि जो भी हम क्लाउड में काम करते हैं, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना या डाटा को एक्सेस करना, वो ये रिक्वेस्ट लेके आगे माई सीक्वल को देता है, और माई सीक्वल जो उसकी रिक्वेस्ट होती है उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक डाटा प्रोवाइड करता है जो कि होता है उसका एक रिस्पॉन्स। और उसके बाद जो ये हमारा एपीआई प्रोग्राम होता है जहां से भी रिक्वेस्ट आई होती है वहां पर ये देता है जेसन का डाटा, और वही सेम जेसन का डाटा हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर भी या एंड्रॉयड की एप्स के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिख रहा होगा, बेशक आपने वेबसाइट किसी भी फॉर्मेट में बना रखी हो, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में, पीएचपी में, पाइथन में, सी शार्प में, और डाटाबेस भी कोई भी यूज कर रखा हो, माई सीक्वल या एमएस सर्वर, तो जस्ट आपको करना क्या है उसको एक्सेस करने के लिए, जस्ट आपको एक एपीआई प्रोग्राम क्रिएट करना है जो रिटर्न करेगा हमेशा जेसन का फॉर्मेट, और अगर उसको कुछ चेंज भी करवाना है, मतलब कि अगर अपडेट करना है डाटाबेस के अंदर, डिलीट भी करना है, तो वो सिर्फ एक्सेप्ट भी जो डाटा करेगा वो करेगा जेसन का फॉर्मेट। तो जेसन का जो फॉर्मेट है यहाँ पे वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, मतलब कि इसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इसे इजिली समझ सकती है और इसका रिस्पॉन्स दे सकती है। तो ये था बेसिकली जेसन का इंट्रोडक्शन कि जेसन बेसिकली होती क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे जेसन के डाटा को रीड कर सकते हैं वेबसाइट के फ्रंट एंड पे, हम कैसे पीएचपी की हेल्प से यहाँ पर जेसन के डाटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और किस तरह हम एपीआईज को क्रिएट करते हैं जो किसी भी फॉर्मेट के साथ, एंड्रॉयड ऐप, आईफोन ऐप या डेस्कटॉप ऐप के साथ सेम डाटा को शेयर कर सकती हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।